कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। बोल माल किधर है? आलू ले लो, कांदे ले लो। ऐसे में बड़ा सख्त लौटना हो, लेकिन यहाँ में पिघल गया। जो इसमें आया फिर घड़ी रुक गई। अभी जो आपने देखे ये सब इंटरनेट के ट्रेंडिंग मीम्स हैं। मीम समझते हो ना? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे रूट क्यों रहे हो यार, काफी लोग हैं जिनको मीम्स का मतलब नहीं पता। सो आई सर्च द डेफिनेशन ऑन विकिपीडिया और वहां पर लिखा है, एन इंटरनेट मीम मोर कॉमनली नोन सिंपली एज अ मीम इज अ टाइप ऑफ मीम दैट इज स्प्रेड वाया द इंटरनेट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ हाँ जल्दी बता रहा हूँ। तो मीम्स का मतलब सिंपल भाषा में कोई भी पिक्चर का सीन या पिक्चर का शॉट या पिक्चर का डायलॉग जो कि सारी नॉर्मल लाइफ सिनेरियोस में काफी फिट बैठ जाए और पॉपुलर कल्चर में काफी यूज हो। समझ गए ना? लेकिन सुन के अच्छा लगा। एनीवे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉप 5 बॉलीवुड फिल्म्स जिनकी मीम्स की दुनिया में टाइटैनिक और DDLJ से भी ज्यादा इज्जत है। तो क्या आप तैयार हो? नहीं। अच्छा पूछ। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। सो मुन्ना भाई MBBS वॉज रिलीज इन 2003। पिक्चर हिट थी और वो डायलॉग जिनके ऊपर मीम सुपर हिट हुए वो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। थैंक यू। पर मेरा नाम मकसूद नहीं, चयन है, पहचाना नहीं? चिंकी तू बहुत चेंज हो गई। एनीवे इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं इस फिल्म में जो कि हर रियल लाइफ सिचुएशन पे फिट बैठते हैं। जैसे कि जब दिल्ली का आदमी बॉम्बे जाता है और किसी के घर में जाता है तो वो सबसे पहले ये कहता है, भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। या फिर ऑफिस में जब कोई जूनियर काम करने से मना करता है तो सीनियर उसे कहता है, भाई ने बोला करने का तो करने का। अब पूरी फिल्म तो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता पर मुन्ना भाई MBBS इज अ ग्रेट फिल्म। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर देख लो। मीम्स के रेफरेंस मैंने दे ही दिए हैं। चल बस लाएगा क्या? सो नंबर 4 पर मेरी लिस्ट में है वो फिल्म जो कि अपने जमाने में बॉक्स ऑफिस की बहुत बड़ी हिट थी। इस फिल्म ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अपनी हॉबीज को फॉलो करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि 3 Idiots जो कि 2009 में आई थी आज भी सुपर रेलेवेंट है। इतनी रिलेटेबल मूवी है और रिपीट वैल्यू भी इतनी ज्यादा है इस फिल्म की कि आप रोजाना इस मूवी को देख सकते हो। अपन नहीं मानेंगे। अरे रोजाना से मेरा मतलब वो नहीं था। फिल्म के डायलॉग्स इतने रेलेवेंट हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन में जैसे कि जब आप जॉब इंटरव्यू पर जाते हो तो आप इसी डायलॉग के बारे में सोच रहे होते हो। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस करने। या फिर जब आप फुल एंथू होकर अपने बॉस के पास जाते हो कुछ डायनामिक प्लान्स लेकर और बॉस कहता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अरे ऐसे कैसे चलने दें। सो नाउ इट्स टाइम फॉर नंबर 3 ऑन माय लिस्ट और ये मूवी अपने टाइम की सुपर हिट मूवी थी। इनफैक्ट जब भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं सबसे पहला जो मीम कमेंट आता है वो आता है ये, चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। हेरा फेरी को आए हुए 20 साल हो गए हैं लेकिन आज भी जब भी कोई रॉन्ग नंबर आता है तो सबसे पहले यही मीम याद आता है। हेलो देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? एवरी सीन ऑफ दिस मूवी हैज टर्न्ड इनटू अ मीम एंड इट इज सो रिलेटेबल। जैसे कि जब आप अपने 2 फ्रेंड्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने जाते हो। तुम ठीक तो? मेरी छाती फोड़ रहे। बाबू भैया तुम ठीक तो? खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ रहे। या जब कोई दोस्त लास्ट मिनट पर मिलने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पर नंबर 2 पर मेरी लिस्ट में है वो फिल्म जिस मूवी के हर कैरेक्टर का हर डायलॉग मीम बन गया है। भाई साहब मिरेकल मिरेकल मिरेकल। हाँ मिरेकल तो है क्योंकि वेलकम आई थी 2007 में और इसके बाद काफी सारी मूवीज आ चुकी हैं तो आपको जैसे ही लगेगा कि वेलकम का जो मीम सीन है वो डेड हो चुका है, वेलकम उठती और कहती है, अभी हम जिंदा हैं। पर कुछ भी कहो ऑडियंस ने इस फिल्म के साथ किया तो यही है। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। मुझे लगता है एक ही रीजन है जो इस मूवी पर इतने सारे मीम्स बने हैं। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। पर मेरा फेवरेट मीम है कि जब आप वर्क फ्रॉम होम पर जूम कॉल पर होते हो और पीछे से आपकी मम्मी की आवाज आती है कि ए यहाँ से उठ, चल झाड़ू लगा यहाँ पर, एंड यू आर लाइक, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। बट इतने सारे मीम्स होने के बाद भी दिस मूवी इज नॉट द नंबर 1 ऑन माई लिस्ट।
अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बताओ नाम, वेलकम के फैंस को बुरा तो नहीं लगेगा? सह लेंगे थोड़ा सा। सो मेरी लिस्ट पर नंबर वन पर है वो फिल्म जिसके डायलॉग्स के मीम्स बना बना कर लोग इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ फेमस हो गए हैं बल्कि बहुत रिच भी हो गए हैं। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। बिल्कुल, जो मीमर्स आज इंस्टाग्राम पेज चला रहे हैं, इस मूवी के आने से पहले उनका यही तो रेट था, 150 रुपया देगा। और जब फिर हेरा फेरी जैसी फिल्म इन मीमर्स के हाथ लगी तो 25 दिन में पैसा डबल। The best part of the memes from this movie is कि जैसे हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम इस मूवी के सारे मीम से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। और आप इंस्पायर भी हो सकते हो, जैसे मैंने कहा मीम्स बनाकर खूब सारे पैसे भी कमा सकते हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वेल, दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ टॉप 5 मूवीज जिन्होंने हमें सुपर डुपर हिट मीम्स दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना और कॉमेंट सेक्शन में मेरे लिए जरूर लिखना। मैं तो तेरे को भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। एंड इफ यू डिडंट लाइक तो कमेंट सेक्शन में ये लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तुमसे ना हो पाएगा।